स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। इसके अगले वीडियो में हमने अलग अलग गले के हिसाब से शोल्डर कटिंग देख लिया था। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। चैनल पर सारे वीडियो अवेलेबल है। ये वीडियो में हम 34 चेस्ट साइज के हिसाब से अलग अलग गले के हिसाब से चेस्ट, कमर और हिप में कितना लूजिंग देना है वो हम देखने वाले हैं। और ये बॉडी मेजरमेंट है, याद रहे। तो क्या आप सब लोग तैयार है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ड्राफ्ट तैयार कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर चेस्ट, कमर और हिप ऊपर लिखा हुआ है 34, 31, 37। इसी मेजरमेंट से हमें कटिंग करना है। तो सबसे पहले हमारा पीछे का गला 4 इंच हो तो हमें किस तरीके से चेस्ट में लूजिंग देना है। तो यहाँ पर जो हमारी चेस्ट है वो 34 इंच है, तो यहाँ पर 34 इंच है तो इसमें हमें प्लस 3 इंच का लूजिंग देना है, तो हमारे हो जाएगी 37 इंच। आप चाहे तो यहाँ पर 4 इंच का भी लूजिंग दे सकते हो अगर आप ज़्यादा लूज पहनना चाहते हो, बाकी आप 10 इंच का लूजिंग दे दो। तो 30 इंच है तो यहाँ उसको हम 4 के साथ डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये हमारा 4 पल्ला है, तो उसको तो आएगा हमारा 9.25 इंच पर। तो यहाँ पर 9.25 इंच पर मार्किंग कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसकी फुल चेस्ट। तो फुल चेस्ट आपकी जितनी आई है उस पर हमें प्लस 1 इंच करना है और फिर उसे डिवाइड बाई 4 कर देना है, जितना जो आए यहाँ पर आप मार्किंग कर देना। इतना हमारा हो जाने के बाद अभी हम इसकी कमर देखेंगे। तो इसकी कमर है 31 इंच, तो यहाँ पर भी हमें 3 इंच का लूजिंग देना है, बॉडी मेजरमेंट बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 34 इंच हो जाएगा, तो यहाँ पर उसको भी डिवाइड बाई 4 करना है, तो यहाँ पर हमारा 8.5 इंच आएगा। तो एक मार्किंग हमें 8.5 इंच पर कर देना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर पीछे टक्स आता है, तो पीछे टक्स लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप जहाँ मार्किंग किया उससे 0.5 इंच पीछे इस तरीके से एक मार्किंग और कर दे अगर टक्स चाहते हो तो। उसके बाद हम इसकी कमर देखेंगे, 37 इंच है तो यहाँ पर हमें प्लस 1 इंच का लूजिंग देना है, तो ये हमारी 38 हो जाएगी। उसको हम डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो 9.5 इंच आएगा, तो हमें एक मार्किंग 9.5 इंच पर कर देना है। और फिर चेस्ट, कमर और हिप सब मार्किंग मिला देना है, और उसके बाद हमें मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा मार्किंग भी कर देना है और फिर इसे कटिंग कर देंगे। तो इसके आगे हम देखेंगे पीछे का गला 6 इंच हो तो हमें क्या चेंजेस करना है। तो जब भी हमारा पीछे का गला 6 इंच हो तो इसमें हमारी जो चेस्ट है वो 34 इंच है, तो इसमें भी हमें 3 इंच का लूजिंग देना है, तो ये हमारी हो जाएगी 37 इंच। उसको हम डिवाइड 4 करेंगे तो आएगा 9.25 इंच पर, तो एक मार्किंग हमें 9.25 इंच पर कर देना है। उसके बाद कमर देखेंगे तो कमर 31 इंच है, तो इसमें भी हमें 3 इंच का लूजिंग देना है, तो ये हमारी हो जाएगी 34 इंच। उसको भी डिवाइड बाय 4 कर देना और फिर मार्किंग कर देना है। उसके बाद हमारी हिप 37 इंच है, तो इसमें हमें 1 इंच का लूजिंग देना है आगे की तरह, सब में हमें इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 38 इंच, तो उसको 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 9.5 इंच हो जाएगा। और फिर हम जब भी पीछे गला हमारा 8 इंच है तो हम क्या चेंजेस करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारी चेस्ट है उसमें हमें सेम 6 इंच में किया था वही चेंजेस करना है, 3 इंच का ही लूजिंग देना है, तो ये हमारी हो जाएगी 37 इंच। उसको डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो ये हमारा 9.25 इंच आएगा, तो एक मार्किंग हम 9.25 इंच पर लगा देंगे। उसके बाद कमर में हमें 3 इंच का ही लूजिंग देना है। जी हाँ, आप चाहे तो एक बुक पे लिख सकते हो, तो यहाँ पर भी हम 3 इंच का देंगे। और उसके बाद हिप में हमें 1 इंच का ही लूजिंग देना है, हिप में हमें सबको कितना भी गला हो 1 इंच का ही लूजिंग देना है। उसके बाद अभी पीछे 10 इंच गला है तो हम क्या चेंजेस करेंगे, तो पीछे हमारा जब भी 10 इंच गला है तो 34 हमारी चेस्ट आइज है, तो यहाँ पर भी हमें 2.5 इंच का लूजिंग देना। आप चाहे तो 2 इंच दे सकते हो तो ज़्यादा फिट हो जाएगा, आप 2.5 इंच दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद कमर में हमें सेम वही प्रोसेस 3 इंच का लूजिंग देना है, तो 34 इंच हो जाएगी, तो ये हमारा डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 8.5 आएगा। और उसके बाद 37 इंच इसकी हिप है, तो यहाँ पर भी हमें 1 इंच का लूजिंग देना है और फिर मार्किंग कर देना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसे एक नोट पे लिख सकते हैं ताकि आपको ये याद रह सके। इसके और इसके अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं 36 चेस्ट साइज के हिसाब से कटिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।